हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी लाइफ के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 19 जून 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें देखने मिला है एक पॉजिटिव मूव 5.43% का, 609.55 पे क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वनडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज्यादा हमें वॉल्यूम देखने मिल रहा है। कैंडल बहुत ही बड़ी बनी है, नीचे साइड में बारीक, ऊपर के साइड में छोटी सी पिक देखने मिल रही है। आरएसआई 68-69 के आसपास आ चुका है, जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मोमेंट का इशारा देता है, लेकिन कहीं और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें जरूर कंसीडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन जरूर यहाँ पे एक नेगेटिव मूव का एक्सपेक्टेड डाउनसाइड मूव 603 के आसपास देखे मैं, उसको भी क्रॉस करते हुए स्टॉक में डाउनसाइड जो 693 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो स्टॉक अभी भी आपको जो अराउंड 585 के आसपास अगर दो दिन तक सस्टेन करते हुए देखें मैं जरूर वहाँ पे बाइंग करें। वहाँ से आपको 5-10% का इजिली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज के आते हुए देखने मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है करंट प्राइस में रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो कहूँगा स्टॉक आप आराम से गिरने दे। स्टॉक अभी भी आपको 519.3 के आसपास आते हुए देखें मिले जरूर वहाँ पे बाइंग करें, लेकिन लॉन्ग टर्म का लेवल है तो 100% आपको कैपिटल नहीं डालना है। 20-25% तक आप कैपिटल डालें, बाकी आप कैपिटल आप होल्ड करके रखें। जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको 10-20% का देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में, और जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बना रखे चार्ट में बात करते हैं मंडे के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वन आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस ऐसे कुछ यहाँ पे जरूर मार्क है, लेकिन डिफरेंट डेटा बना उसके बेसिस थोड़ी सी हम यहाँ पे पुराना डेटा को जो निकाल के यहाँ पे मार्किंग जो ऊपर के साइड में कर लेते हैं, जहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास जो स्टॉक हमारा आया था। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 52 की रेंज हाई जो था इसका 620 का था, इसका मतलब बहुत ही पास में यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे ऊपर के साइड में हमारे पास कोई ज्यादा डेटा नहीं है, तो ज्यादा डेटा नहीं होता तो हम यहाँ पे यूज करेंगे साइकोलॉजिकल नंबर, तो वो भी मैं मार्क करके रख देता हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ इसके क्लोजिंग की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 609.55 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 607.20 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 611.60 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरे ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 603 का, उसके बाद क्या था 645 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 615 का, उसके बाद क्या था 621 का। तो यहाँ पे जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताएं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का यानी कि मंडे के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर एक नेगेटिव क्लोजिंग है। 603 से लेकर 607.20 के रेंज में हमारी क्लोजिंग एक्सपेक्टेशन है मंडे के लिए। आपको क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।